एबीपी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा, मेरे साथ हैं पिंकी खंडेलवाल। वक्त है विशेष बुलेटिन का। करीब 5 दशक तक कांग्रेस में जुड़े रहे पार्टी के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। इस्तीफे के ऐलान वाली चिट्ठी में आजाद ने राहुल गांधी पर तीखे वार किए। आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं, पार्टी में बड़े नेताओं का अपमान हुआ है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर संग्राम जारी है। आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें भारी हंगामा हुआ। आरोपों के घेरे में आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज विधानसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1000 छापे भी मारेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी बवाल जारी है। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को आज के लिए मार्शल आउट कर दिया। उसके बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना देने बैठ गए। विधायक सदन में जबकि कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ने के बाद वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने ब्रिटेन दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से मदद अपील की है। मेरे साथ विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।